सुनो मेरी बात। कहा है हमरे राजा? आज मुझे बोला चांद सा मुखड़ा एक बार दिखा दे मेरी जान, तो मेरी तबीयत खुश हो जाए। ए हमरे प्राणनाथ, हमरे स्वामी जी हो, देखिए ये चेहरा, ये तन, ये मन, अरे ये तो मैं सब आपको अर्पित कर दी हूँ। अपने हाथों से ये चांद जैसा मुखड़ा देख लीजिए ना प्लीज। ऐसी बात है तो सुनो मेरी बात को। कहिए। हम आओ देखा दे अम्मा। मैं है जागर। का जानू मैं सजनिया, चमके दी कब चदनिया, हर घर में गरीब के। हमरे राजा की उठाई ल घूंघटा, उठाई ल घूंघटा, उठाई ल घूंघटा, चांद देख। मेरे पास होती धरती ए, तो जो तुम्हें प्यार मैं ये करेती, हे धरती से उगता जो सोना, हे दिल का बिकता नहीं खिलाओ। देखा भैया उहरे, आप सभे देख ला, और हमें अकेला छोड़ के अपन प्रेमिका पान लेके चला। अब हम अकेले का करी, हमहू चलता ही, हमहू कतौ अपन प्रेमिका खोजे। लेकिन जाते जाते एक आशिक अपने मासूका से क्या कहता है, अरे दुनहू ललनवा, अरे दुनहू ललनवा, आखी कई पुतरी हो माई, जैसन करबू तोहरे आगे उतरी हो माई, जैसन करबू तोहरे आगे उतरी हो माई, जैसन करबू तोहरे आगे उतरी हो माई। पुतरी हो माई, जैसन करबू तोहरे आगे उतरी हो माई।
भैया क्या बात है बहन? भैया इतनी दूर चलते चलते मुझे थकाई भी लग गई और मेरा गला बहुत जोर से सूख रहा है। भैया हंस चुके तो मुझे पानी पिला दो भैया। बहन ये बहुत दूर तक जंगल है बहन, आखिर बियाबान जंगल में मैं कहां से पानी लाऊं बहन? अगर आप मुझे पानी नहीं पिलोगे तो मेरी जान निकल जाएगी भैया। नहीं भाई नहीं, नहीं बहन, ठीक है बहन, इसी पेड़ की छांव बैठ जाओ बहन, मैं जा रहा हूं। इस जंगल के पार अगर कोई बस्ती दिखाई देगा तो वहां से मैं पानी लेकर के बहुत जल्द बहन तुम्हारे पास आ जाऊंगा बहन। ठीक भैया, मैं यहीं पर बैठती हूँ, बहुत जल्द पानी लेकर आना भैया। ठीक है बहन, तुम बैठ जाओ बहन, मैं पानी लेकर के बहुत जल्द बहन आ जाऊंगा। ठीक है भैया। ठीक है बहन, बैठ जाओ। दीदी, दीदी क्या बात है भैया? दीदी आप पेड़ के नीचे अकेली बैठी हैं दीदी, भैया कहाँ गए दीदी? कुंदन भैया मेरे साथ में थे, मेरे बहुत जोर से प्यास लगी थी, प्यास के मैं आ रहा है, मेरा गला सूखा जा रहा था। भैया से बोली भैया मुझे पानी पिला दो, नहीं तो प्यास के मारे मेरी जान चली जाएगी। तो कुंदन भैया मेरे लिए पानी लाने गए हैं। पानी बड़े भैया आपके लिए पानी भैया। दीदी यहाँ पर कब बैठी रहोगी? ये सामने मंदिर दिखाई दे रही है दीदी, चलिए वहीं पे पानी का आपको। क्या रमेश भैया उस मंदिर पे पानी मिल जाएगा? चलो भैया जल्दी चलो चलो। बहन या मेरे मालिक, मैं अपनी बहन को इसी पेड़ के सामने बैठा के गया था, मैं ना जाने मेरी बहन कहां पर चली गई। मुझे तो डर लग रहा है कि कोई बियाबान जंगल में कोई आकर के शेरबाग खात नहीं लिया। मैं चल करके जंगल की तरफ चल के ढूंढता हूं मैं अपनी बहन को। बहन नहीं, गोलियों से तुम्हें भोज डालूंगा मैं, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। ए कुंदन ये बता तू क्या इसके घर से चुरा के लेके जा रहा है बता? मैं बाबूजी कुछ चुरा के नहीं ले जा रहा हूँ, इस जंगल में और इस पेड़ के छांव में अपनी बहन को बैठा करके पानी लाने चला गया था। और जब मैं पानी लाके आ रहा हूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मेरी बहन को ना पता है कि मेरी बहन पता नहीं कहाँ पर चली गई है, उसी को मैं पानी लेकर के ढूंढ रहा हूँ भैया। हराम दादे तूने चोरी किया है। नहीं मैं चोरी कोई नहीं किया हूँ, कुछ चोरी नहीं किया हूँ। चोरी नहीं किया है? नहीं बाबूजी। ओ, आज तो मैं उस दिन के अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि यह हरामजादा मेरी प्रेमिका को मारा था। आज हरामजादे मैं तेरा वह हासिल करूंगा, तेरा वह हासिल करूंगा कि तू जीवन में कभी भूल नहीं सकेगा।
सच में इसकी आंखों में, इसकी आंखों में केमिकल डाल करके ले चलता हूं सामने, पटरी दिखाई दे रही है उसी पटरी पर लेटा दूंगा, कोई ट्रेन आएगी तो इसको कत्ल कर देगी। इस हरामजादे को घसीटते हुए लेकर चलता हूं, उसके बाद रेल की पटरी के नीचे डालूंगा। खाए के मोटा हो जवा है। अब मैं इसे ट्रेन की पटरी पर लिटा दिया हूं, ट्रेन आने का वक्त हो गया, समय हो गया है। अगर साला बचेगा तो कहीं अंधा होकर के घूमेगा, नहीं तो ट्रेन तो उसको काट ही डालेगी। अब मैं यहां से चलता हूं। ये मैं क्या देख रही हूं, ये भला आदमी बेहोश ट्रेन के पटरी पे पड़ा हुआ है, ट्रेन का आने का वक्त भी हो गया है, अगर इसे नहीं बचाती है तो ट्रेन आएगी, कर भी सकता है, मैं किसे बुलाऊं? अरे भाई साहब थोड़ा मेरी मदद कर दे, जल्दी आना। इसको मार के इसी रेल की पटरी पे आप लेटा दिए हैं, इसीलिए हमको बुला रखी हो। ओ, ऐसी बात नहीं है। हम मोबाइल निकाल रहे हैं, फोन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं भाई साहब, जरा मेरी बात तो सुनो पहले। सुनने लायक लेटा दिए हो बता रहे, देखो भैया काका दादा हरा अल्लाह बचाओ, तुरंत तुम लोग क्या कर रहे हो? चुप रहो शांत रहो, मेरी बात तो सुन लो जरा। हम चुप होने वाले आदमी नहीं है, हम तुरंत मोबाइल निकाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ धोती हूँ, पहले मेरी बात सुन ले तो फोन लगाना, जिसको चाहे उसे बुलवा लेना। ऐसा है, हम तुम्हारी बात सुनेंगे मगर कुछ लगेगा खर्चा। जो चाहे वो ले लेना भाई, जो चाहे वो ले लेना, मिलेगा ना। इस वक्त ही इस आदमी को जान बचाओ। जान बचाओगी? हाँ जरूर बचाओगी। अगर पैसा हमको देना पड़ेगा 10,000? अरे बाबा 10 नहीं, मुझसे 15-20 ले लेना, मगर इस वक्त बताओ इसे। चलो ठीक है। क्या बताऊं, मैं तो मंदिर जा रही थी दर्शन करने के लिए, अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, इस आदमी को मैं ले चलती हूँ हॉस्पिटल। अरे भाई साहब जल्दी करो, सर में चोट लगी है, खून भी निकल रहा है, जल्दी करो देर हो जाएगी। चलो 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 चलो। अरे भाई साहब अब क्या हुआ जरा बताओ ना। ऐसा है, इतना वजन आदमी हम तो उठवाओगे, पैसा इसका ज्यादा लगेगा। और अरे बाबा 15,000 देते रहे ना, और ले लो। 15,000 पे काम नहीं चलेगा, पूरा 30,000 पे। ठीक है पहले हॉस्पिटल चलते हैं, फिर बाद में ले लेना अपना। ठीक है चलिए, चलो जल्दी कर। मंदिर में भोलेनाथ का दर्शन भी हो गया। हाँ दीदी। पानी भी मिल गया। लेकिन उसी जंगल में जहाँ पर भैया बैठाए थे, हाँ। वहाँ पर आ गए हूँ, लेकिन अभी तक भैया कोई पता नहीं, भैया पानी लेकर नहीं आए। दीदी यहीं पे इंतजार कर लो, काजनी भैया शायद आते होंगे। दीदी अरे लक्ष्मी, तू जिस भाई को ढूंढ रही है, तेरा भाई अब तुझसे नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि तेरा भाई दोनों आंखों का अंधा हो चुका है और बेहोशी हालत में रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ है। ट्रेन आने में केवल 15 मिनट बाकी है, अगर बचाना चाहती है तो भाग, अपने भाई को बचा ले। रमेश भैया, सुरेंद्र भैया, जल्दी यहाँ से चलो, रेल की पटरी पे बड़े भैया बेहोश पड़े हैं, जल्दी चलो भैया बचाते हैं, चलो जल्दी।
रमेश भैया दीदी रेल की पटरी पर पहुंच आए, लेकिन कुंदन भैया नहीं दिखाई दे रहे। हाँ दीदी, मैं भैया को आवाज लगाती हूँ। कुंदन भैया, भैया भैया भैया, रमेश भैया। दीदी अब क्या करूं, भैया रेल की पटरी पर नहीं मिले, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करूं, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरा ही सहारा है भोलेनाथ, तेरा ही सहारा है। तुझे ढूंढूं कहां भैया, तुझे ढूंढूं कहां भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिछे नैया। रमेश भैया, पर तो भैया नहीं दिखाई दे रहे, चलो दूसरी जगह ढूंढते हैं। चलिए दीदी। भैया भैया भैया, तोहरा बिना सुन लागे जिंदगी बिरानावा, तोहरा बिना माने कार मापुर खाके तजदी पर आने वा। माने कार मापुर खाके तजदी पर आने वा, माने कारे भैया दुख कैसी कहूँ भैया, पतवार बिना डूबे मझधार बिछे। ए भोलेनाथ, ए प्रभु, क्या बताऊं, बहन को देखो ये हालत में क्या हो गया, भाई के याद में बहन भी ऐसे पड़ गई है। चलता हूँ बहना के देखता हूँ पास। दीदी क्या बताऊं, बैल भी नहीं उड़ रही है, हमको लगता है बेहोश हो गई है, भाई के याद में बहन भी बेहोश हो गई है। चल रहा हूँ किसी पानी में, अपनी भी जान दे देता हूँ।